नहीं चल रहा है, सीक्वेंस में वापस जाओ, देखो कि मैंने क्या ठीक प्रॉब्लम उठाई। हर आदमी धंधा बड़ा नहीं कर पाता। ओयो जैसे 400 स्टार्टअप बिल्ड हुए थे, पर बचा एक। हमें लगता है कि कोई भी खोलेगा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार लोग खाली सर्वाइव करते हैं, तो हमें इसके पीछे की साइंस को समझना जरूरी है। इनइमिटेबल, मेरे लिए स्केलेबल। अब दोबारा मेरे साथ में स्टैंड अप एवरीबॉडी, गाइस कम ऑन, स्टैंड अप एवरीबॉडी, स्टैंड अप एवरीबॉडी। द पंच जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ इलेक्शन लड़ने उतर गया, सीधा सेंटर पे जाऊंगा। नहीं, चाणक्य के ऊपर वीडियो बनाया था, वो क्या बोलते हैं, परिधि से खाना खाना चाहिए, बाहर बाहर सेंटर करना चाहिए। अमूल की स्ट्रैटेजी क्या है, किसी को याद है? अमूल की स्ट्रैटेजी है सीधा शहर में मत घुसो, शहर के बाहर बाहर के रिटेलर पकड़ो, फिर थोड़ा सा अंदर आओ, बाहर की मार्केट पकड़ने के बाद फिर शहर के और अंदर आओ, सीधा दिल्ली में मत आओ, पहले हापुड़ पकड़ो, ग्रेटर नोएडा पकड़ो, फरीदाबाद नहीं बल्लभगढ़ पलवल पकड़ो, गुड़गांव नहीं मानेसर के आगे पकड़ो, फिर धीरे धीरे दिल्ली में एंटर करो, बाहर से अंदर आओ, सीधा अंदर घुसोगे किल कर देंगे। एक है दूर टॉल ट्रैप, आप किसके लिए माल बना, सबके लिए बना रहे हैं। आपका कस्टमर कौन है, सारे मेरे कस्टमर है। अपने कस्टमर को नहीं समझ पाना, हर अपना कस्टमर समझ बैठना, दैट इज कॉल्ड डू इट ऑल। मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ऐसा भाई कुछ नहीं करेगा। एक वीडियो बनाया था मैंने खरगोश के ऊपर, किसी को याद है क्या था? अगर कमरे में 9 खरगोश है और आपको एक के पकड़ना है, तो जो पहले पकड़ में आ जाए उसको पकड़ लेना चाहिए। यस नो? नो। एक को माफ करना, उसके पीछे भागना जब तक वो पकड़ में नहीं आ जाए, उस पर फोकस करना। So I will not do it all. I'll only focus. I'll not do something for everyone. I'll do focus for my focus customer. Focus product होगा। ये जब trap ठीक होते हैं, winning too much trap, लगातार जीत रहा हूँ, तो मैं इसको इतना justify कर रहा हूँ, इतना justify कर रहा हूँ कि नहीं 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 भाई, मैं हर बार जीतते आ रहा हूँ। जिस बार दुर्योधन, हाँ, winning too much trap. So मेरे को कौन सी चीज रोक रही है, मुझे कौन सी चीज। शुरू हो गई। अब मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि यार ये मेरे मेरिट पे तो नहीं कर रहा हूं ना, पिताजी बना रहे हैं, और पिताजी मेरे आइडल, मेरे हीरो, क्योंकि उनको किसी ने सिफारिश नहीं दी थी, उन्होंने स्कॉलरशिप में एफटीआई ज्वाइन किया, 7 सीटों में से पूरे भारत में से एक वो सिलेक्ट हुए, बिना
बिना किसी सिफारिश के बंबई आकर स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके उन्होंने अपने दम पर अपने टैलेंट पर मकाम हासिल किया, तो इंस्पिरेशन तो ये है। और मैं काम कर रहा हूं बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू इंस्पिरेशन, पिताजी से पैसे लगवा रहा हूं। अच्छा कुछ नहीं हो गया तो पिताजी की पूंजी, उनकी मेहनत, उनके 20-30 साल का करियर वो जीरो हो जाएगा। इस पिक्चर में इस तरह की बिजनेस है, आप या तो बहुत कमा सकते हो या बहुत घटा सकते हो, यूज कर सकते हो पैसा। अब ये रिस्क जो था ये मेरे कॉन्शियंस पे बहुत, नरेंद्र मोदी जी ने 5 ब्रांड हमें दिए हैं, उसका सार है कि हम $30 trillion भारत की अर्थव्यवस्था में छोड़ेंगे, 3.5 से $35 trillion की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और उसमें